अंश अभी आया है कॉलेज से और उसे लग रही है भूख बहुत तेज। तो जैसे आपको पता ना, अभी हमने उसे बहुत ज्यादा मसाला एंड ऑल देना शुरू नहीं किया, तो मैं बना रही हूँ उसके लिए गोभी की पराठी। और अंश को बहुत तेज भूख लग रही है जैसे मैंने बताया, और तन में अभी बिल्कुल जस्ट ट्यूशन से आया है, और जैसे उसे पता चला भाई को बहुत भूख लग रही है तो वो जा रहा है उसके लिए दही लेने के लिए। ठीक है राधे, जल्दी ले जाओ स्कूटी से, जाओ स्कूटी में तेल ही नहीं है, नहीं तो अगर स्कूटी में तेल होता बिल्कुल भी तेल नहीं है। अभी ट्यूशन का बैग भी नहीं है उतारा, लेकिन अंश के लिए दही लेने के लिए तुरंत तैयार हो गया। अच्छा भाई मैं लेकर आता हूँ, तो किसे पता है कि भाई को पनीर दिया। पनीर की बात तो नहीं हुई थी। मम्मी देखो दही ला रहा हूँ मेरे लिए, भाई के लिए गोभी के बना दो। आपको पता है जब मैं गोभी नहीं खाता हूँ, इसके लिए पनीर के पराठे बनाओ। बना दो, चल ले आइए थोड़ा ₹50 रिश्वत ना इसकी चलती रहती है, चलती रहती है। अच्छा खासा शाम को मैंने चाय पी है, और ये अंश ने आकर जो पराठों का सिलसिला हमारे घर में शुरू करवाया, गोभी के पराठे, फिर तन्मय के लिए पनीर के पराठे, और फिर जब सबके लिए बने पराठे तो मैं कहाँ जाती, भंडारे में खाने, तो मुझे भी खाना पड़ गया पराठा। मुझे खाना पड़ गया, मैं खा नहीं रही थी पर मुझे पड़ गया। मुझे भी बिना नमक के खाने पड़ गए। पता है क्या हुआ, नमक अंश ने मंगा लिया, वो दही में डाल के खा रहा था, अब मुझे याद नहीं रहा मैंने पनीर घिसा पराठे बनाकर तन्मय को दे दिए और उसमें नमक ही नहीं। बेचारे गए बिना नमक के पराठे खाए हैं इसने, तो इसने दही में फिर नमक और मिर्च मिलाकर खाया है। आई एम सॉरी तन्मय। कोई भी जो तीसरे में जो मजे आए ना जिसमें नमक था वो सही था, वरना शुरू में तो बिना नमक के दो पराठे तो बिना नमक के खाए। इस शख्स की वजह से हुआ है जो कुछ हुआ, इस शख्स की वजह से नींद आ रही है पराठे खाकर, इसे पराठे खाकर नींद आ रही है। हम बेमतलब में खा रहे हैं जबकि हमारा कोई दूर दूर तक पराठे, रात का खाना यही हो गया। मुझे भी थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है मम्मी। तुझे भी नींद आ रही है, पड़ेगा गोल। और ये शख्स है ना, ये देखो ये भोला भाला बनकर जो यहाँ लेटा हुआ है, ये शख्स इसने आकर पराठों का सिलसिला शुरू किया। मैंने कहा तो आलू शिमला मिर्च की सब्जी है बट सूखी खाई नहीं जाती ना इसे गले की वजह से, तो फिर दही की बात हो गई, दही हुई तो फिर गोभी के पराठे हो गए, गोभी के पराठे हुए तो तन्मय जब दही लेने गया तो ये पनीर खरीद कर ले आया, तो भैया पराठा पराठा पराठा। अब ये मुझे कोई ये बताए शाम के 7 बज रहे हैं, मतलब रात के 7 बज रहे हैं, अब हम इसे डिनर समझे क्या समझे? बिफोर डिनर। अंश तो कह रहा है उसका डिनर हो गया, तन्मय की क्या है राय? ना बस वही हो गया, बस हो गया, ठीक है ओके। गोलगप्पे वाले का इंतजार करते हुए राधे अभी आएगा। हम अच्छे खासे पराठे खाकर बैठे हुए थे और ये हमारा गोलगप्पे वाला आ गया। और जाकर वो वहाँ देखो, वहाँ दिख रहा है आप लोगों को, मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, देखो कोई भी नहीं है वहाँ, वहाँ जाकर तवा बजाया जा रहा है और यहाँ जब हम इंतजार कर रहे हैं तो यहाँ आ नहीं रहा है कोई नहीं। तन्मय यूं कहते हैं सबर का फल मीठा होगा, हमारा सबर का फल खट्टा मीठा होगा, खट्टा मीठा जा रहा है उधर उस मोहल्ले में। तन्मय ये सबसे बड़ी गलत बात है, गेट बंद है फिर भी उधर क्यों गया वो? देख पूनम ताई तो नहीं खा रही उधर, अगर पूनम ताई खा रही है तो हम भी चलते हैं देख कर। यार सुनो मेरी बात, यहीं पे बैठो आराम से, यहाँ पे आएगा बैठ के खाओ मजे में, टाइम भी तो वेस्ट हो रहा है। खिलाओ खिलाओ अंकल, मम्मी को खिला लो पहले। हाँ खा लो खा लो, खाओ खाओ खाओ, मैं तो खाऊंगा। इतने बड़े बड़े वाई डू हैक। हाँ अंकल और बड़े दो इन्हें, तो 3-4 का एक बना हुआ दो इनको, उससे ही पेट भरेगा इनका, है ना? एक महीने बाद खा रही हूँ मैं। रहने दो, नहीं एक महीने बाद का भी रहने दो, रहने दो। हाँ एक महीने बाद। गोलगप्पे खाकर पेट गया भर, अभी हो रही है सब्जियाँ की सुबह की तैयारी। इतनी पालक ले आए हैं, हरा धनिया, ऊपर से मूली के पत्ते, गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, सब अभी अंदर पड़ी हुई है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या क्या सब्जी अब काटूं और क्या क्या संभालूं। फिलहाल जो जल्दी ख़राब होने वाली है पालक, इसे ठीक करती हूँ, इसे काट पीट के रख देती हूँ सुबह के लिए। और धनिया
चलो देखते हैं क्या होता है। तुम्हें पढ़ने बिठा रखा था, तुम यहाँ क्यों अंगड़ाइयाँ ले रहे हो? एंड करूंगी तो मैं अपने आप एंड कर दूंगी। कोई घुसने की जरूरत नहीं है, जहाँ घुसे तुम किताबों में घुसे थे वहीं घुसे रहो जाकर। हाँ छोड़ तो छोड़, बता फिर। आज ना मैंने पानी पिया। पानी पिया? हाँ तो पानी तो पीते हैं, इसमें कौन सी नई चीज है? ठंडा। ठंडा कहाँ से पिया तूने? हमारे घर में तो है नहीं फ्रिज का पानी। चेक करते ही नहीं आप लोग, फ्रिज में नहीं आज रख दिया। तन में अभी नहीं पीना बेटा ठंडा पानी। नहीं नहीं मन नहीं बेटा, अरे पापा को हो रहा है ना आज, पापा ने जैकेट नहीं पहनी, तूने कोल्ड हो गया। बहुत दिन से नहीं पिया ठंडा पानी, थोड़ा सा एक बॉटल में। अभी नहीं पीना, होली के बाद शुरू करेंगे। ठीक है, आज का व्लॉग पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।